आज दोस्तों बात करने वाले हैं मारुति की एक और एंट्री लेवल हैचबैक कार के बारे में जिसका नाम है एस्प्रेसो और कंपनी इसको बोलती है एक एसयूवी वाला डिज़ाइन, एक मिनी एसयूवी वाला डिज़ाइन। और सच में यार इसका जो डिज़ाइन है ये आपको पूरा मिनी एसयूवी वाला मिल जाता है और मेरे को ये हल्की हल्की स्कॉर्पियो ऐसी लगती है, मतलब स्कॉर्पियो का छोटा सा रूप आप इसे कह सकते हो। वैसे अभी एक नई स्कॉर्पियो भी आई है तो उसका भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और ये जो एस्प्रेसो है ये भी काफ़ी अच्छा लुक मारती है, ऐसा आप इसका फ्रंट से भी लुक देखोगे, साइड से भी अगर आप इसका लुक चेकआउट करोगे तो आपको ये रिजेंबल करेगी कि एसयूवी की तरह, और एसयूवी की तरह ये रिजेंबल भी करती है, थोड़े बहुत फीचर्स भी देती है जैसे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम ये गाड़ी कवर कर रहे हैं ये कौन सा इसका वेरियंट है। हम कवर कर रहे हैं इसका VXI ऑप्शनल वेरियंट जिसके अंदर आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, और इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो पड़ रहा है 4,69,000 रुपीज़। और ऑन रोड की बात करता हूँ तो ये करीब करीब चले आता है आपका 5,40,000 के, डिपेंड करता है कौन सी सिटी से गाड़ी परचेस करते हो। मैं आ रखा हूँ देहरादून के DD मोटर्स शोरूम में, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर मारुति की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। मैं जो नई वाली मारुति की ब्रेज़ा आई है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो इसका जो फ्रंट का लुक है वो कुछ इस तरीके से देखने को बनता है, और सामने से भी ये पूरा SUV की तरह लुक मारती है और काफ़ी बोल्ड सा इसको लुक मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको इस तरीके से यू शेप में कुछ मैट फिनिशिंग है या प्लास्टिक फिनिशिंग आप कहो, इस तरीके से आपको पूरी ग्रिल देखने को मिलती है, सेंटर में लोगो देखने को मिल जाएगा आपको। और नीचे अगर आपको इसका बम्पर में शो करता हूँ तो उसका डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, ये भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलेगा, ये आपको प्लास्टिक फिनिशिंग में मिलता है और डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट इसको कटवा करके LED लगा सकते हो। हेडलैम्प की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके पेरीफेरी में पूरा ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाएगा, और ये हेलोजन में आता है तो हेलोजन का रिफ्लेक्टर सेटअप मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर नोज़ल इस तरीके से है, जो यहाँ पर स्प्रे आता है पानी का उसके नोज़ल आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो फ्रंट का लुक साइड से कुछ इस तरीके से बनता है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस कार के अंदर आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि जनरेट करके देता है आपको 67 की BHP और 90 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करता हूँ तो कंपनी इसमें क्लेम करती है 21.7 KMPL का माइलेज, मतलब आप 22 का माइलेज कह सकते हो, 22 का माइलेज कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। और मारुति की कार में इतनी यहाँ पे गारंटी रहती है कि जितना कंपनी यहाँ पे माइलेज क्लेम करती है उसके आसपास आप माइलेज यहाँ पे निकाल भी रहते हो, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, वो आपकी ड्राइविंग क्वालिटी भी डिपेंड करता है। और इस कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, बाकी पेट्रोल में तो गाड़ी अवेलेबल है ही। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल क्वेश्चन की, सबसे एक तड़कते भड़कते क्वेश्चन की कि भाई वो सब चीज़ें तो सही है, जैसे कमेंट करते हैं ना लोग मेरे को मारुति की हर कार जब भी मैं कवर करता हूँ कि भाई वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन तो ये बता कि भाई सेफ्टी का क्या होगा, सेफ्टी क्या है इस कार की। तो यहाँ पर इसका जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था GNCAP का, ग्लोबल NCAP का, उसमें इस कार ने 3 स्टार में से 0 स्टार लेकर आई, मतलब 0 out of 3 इसने परफॉर्म करा, तो बहुत बेकार इसने परफॉर्म करा। अब देखो ऐसा इसलिए होता है ना कि मारुति को अपनी कार का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो इसका क्वालिटी है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मारुति को यहाँ पे कि उसकी जो यहाँ पे क्वालिटी है बेकार है तो उसको बेकार ही क्वालिटी देनी चाहिए, बिल्कुल इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन अगर वो यहाँ पे वेट एड ऑन करेगी, क्वालिटी को और इम्प्रूव करेगी, तो यहाँ पर जो माइलेज कंपनी 21.7 का आपसे क्लेम कर रही है वो फिर कम होके 14 से 15 का हो जाता है। मैं अपनी हर मारुति की वीडियो में ऐसा कहता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कुल मिला के जिसको माइलेज चाहिए, एसी वाला लुक चाहिए और एक सस्ते में गाड़ी चाहिए, जैसा आपको मैंने बताया था 4,70,000 रुपये इसका शोरूम प्राइस है और 5.5 ही आपको करीब करीब ऑन रोड पड़ जा रही है, तो 5.5 लाख में अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें एसी वाला को लुक मिल जाए तो ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो यहीं से हम साइड प्रोफाइल में आते हैं, आप डिज़ाइनिंग देखो कुछ इस तरीके से बनती है, गाड़ी की हाइट भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, तो यहाँ से भी एक SUV वाला लुक मारती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो ये भी आपको SUV वाला मिलेगा 180 mm का। बाकी टायर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको जो व्हील कैप का डिज़ाइन मिल रहा है यू शेप का, ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप इसके टॉप एंड जाओगे तो उसमें आपको एलॉय भी कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इस वाले वेरियंट के अंदर आपको स्टील रिम मिल जाता है 14 इंच का, कम्प्लीट टायर सेटअप है 165/70 R14, बाकी MRF आपको टायर मिलेंगे। फेंडर में आपको इस तरीके टर्न इंडिकेटर मिलेगा और आपको एक हल्का सा कट भी मिल जाता है यहाँ पर इस तरीके से। और नीचे अगर मैं आपको इसका रनिंग बोर्ड दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको साइड में ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है और इसमें पुराने स्टाइल के डोर हैंडल देखने को मिलेंगे, ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, ये आपको मैट फिनिशिंग मिलेंगे। ORVM भी आपको इसका पूरा मैट फिनिशिंग मिलेगा जिसको आपको एडजस्ट भी इस तरीके से करना होता है शायद, मतलब ये अंदर से एडजस्ट नहीं होता, आपको इसका मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, मुझसे घूम नहीं पा रही है। फोल्ड भी आपको इसको इस तरीके से मैनुअली करना पड़ता है। बाकी इसका जो पूरा A पिलर है, B पिलर है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बॉडी कलर मिल जाती है। इसकी रूफ़ की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, एंटीन आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। तो साइड का लुक कुछ इस तरीके से बनता है।
फ्यूल टैंक अगर आपको फिल करना है गाड़ी के अंदर, तो आपको को ड्राइवर साइड के पीछे साइड मिलता है ये, और 27 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो पीछे से भी लुक देख लो साइड का, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब पीछे की लुक की बात करते हैं, तो डिज़ाइनिंग आप देखो पहले, कुछ इस तरीके से मिलती है। और पीछे से भी लुक आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगता है। पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे दोनों साइड, और दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और नीचे आपको इस तरीके से टोइंग हुक भी देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो बम्पर है पूरा आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, और ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा। टेल लैंप की बात करते हैं, तो इसमें आपको सी शेप टेल लैंप मिलेंगे, और ये आपका पूरा सेटअप हैलोजन में मिलता है। मतलब ब्रेक लाइट की बात करूँ, टर्न इंडिकेटर की बात करूँ, या फिर रिवर्स करते समय जो लाइट जलती है उसकी बात करूँ, व्हाइट लाइट की बात करूँ, तो ये तीनों चीज़ें आपको जो है हैलोजन में देखने को मिलती है। और यहाँ भी अच्छे खासा कट देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक SUV वाला जो टच रहता है वो पीछे से भी देने की पूरी पूरी कोशिश की है। और पीछे से मैं कहूँगा इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई गाड़ी, पीछे से SUV ये नहीं लगती है। लेकिन साइड से अगर बात करते हैं, तो साइड से ये पूरा SUV वाला लुक मारती है, और फ्रंट से भी अच्छा खासा आपको SUV वाला लुक मिल जाता है। और काफ़ी लोग को इसके लिए जो लुक है उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब इसका लुक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बन जाता है। और ऑल्टो के ठीक बाद ये गाड़ी आती है, तो जिसको ऑल्टो में इतनी अच्छी स्पेसिंग नहीं मिल रही है, जो ऑल्टो से थोड़ी अच्छी स्पेसिंग मांग रहा है, तो वो इस वाली कार में ज़रूर से आ सकता है। इस कार के अंदर आपको ऑल्टो से काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी, और एक मिनी SUV वाला को पूरा पूरा ये फील कराएगी। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस करने के लिए यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं है, आपको यहीं से की लगानी पड़ेगी। और एक बार कार के अंदर चेकआउट करते हैं कि कैबिन बूट एक्सेस, मतलब अंदर हमें बटन मिलता है नहीं मिलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल मिलता है हमें अंदर बटन। इस तरीके से अगर इसको प्रेस करेंगे बूट खुल जाएगी। बाकी आपको मैं चाबी भी शो कर देता हूँ, तो चाबी आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। इसकी दोनों चाबी में आपको यहाँ पे दो आपको चाबी मिलेगी, एक में आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, और दूसरे में आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब एक डुप्लीकेट सी की आपको मिल जाती है। तो आप चाबी से भी बूट इसकी एक्सेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बस आपको यहाँ पर की इस तरीके से आपको लगानी पड़ेगी, फिर आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तो अनलॉक कर दी थी, इसे ओपन करते हैं। तो इस कार के अंदर बनती है 240 लीटर की बूट स्पेस। आप देखो कि इतना बड़ा सामान यहाँ पे रखा गया है, और इतना बड़ा का सामान रखा जाएगा तो स्पेसिंग कुछ इस तरीके से बन जाती है। जैसे मैं इसको पूरा साइड कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको पूरा साइड कर लिया, तो साइड में इतनी स्पेसिंग बन जाती है, और करीब करीब अब यहाँ तक सामान अपना और रख सकते हो। तो 240 लीटर की बूट स्पेस प्रैक्टिकली आपको कुछ इस तरीके से स्पेसिंग देगी, और यहाँ पर आपको कोई 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके से पूरी बूट स्पेस बनती है। इसे बंद करते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ को। और यहाँ पर अगर मैं इसका डोर खोलता हूँ, तो डोर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ओपन हो जाता है, मतलब पूरा 90 डिग्री देख सकते हो, अच्छे से खुल गया है, और काफ़ी जगह बन जाती है अंदर बैठने के लिए। तो अगर लेडीज़ कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई ओल्ड एज है, तो वो भी बड़े आराम से अंदर बाहर उतर सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप सबसे पहले डैशबोर्ड चेकआउट करो, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और पूरा डैशबोर्ड आपको सिंगल टोन में देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में। और यहाँ पे AC वैन का जो डिज़ाइन है आपको सर्कुलर में मिलेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पे टेक्सचर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, और इस साइड भी आपको स्पेसिंग मिल जाती है। और यहाँ पर इस स्पेसिंग में आप अपनी चाबी को इस तरीके से डाल सकते हो नीचे। यहाँ पर आप इसकी जो लाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तीन आपको पैडल मिल जा रहे हैं। डोर की बात करते हैं, तो ये भी पूरा सिंगल टोन आपको मिलता है। और यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है पावर विंडो को ऑपरेट करने के लिए, या फिर ORVM को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ORVM तो आपका पूरा मैन्युअली ऑपरेट होगा, और जो पावर विंडोज़ हैं उसको आप ऑपरेट यहाँ से करोगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं, यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे स्पेस बन जाती है खाली पानी की बोतल कैरी करने के लिए। 1 लीटर की पानी की बोतल आप कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। दो आपको स्पीकर मिलते हैं कार के अंदर, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। बाकी यहाँ से पकड़ के डोर क्लोज करोगे, यहाँ पे आप अपना हाथ रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बनता है पूरा यहाँ का सीन। सीट की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको फैब्रिक सीट मिलती है जो कि 4-way एडजस्ट होती है। 4-way एडजस्ट करने का मतलब होता है कि इसमें आपको फिक्स वाले हेडरेस मिलेंगे, और सीट की जो हाइट है वो भी फिक्स रहती है। अब हाइट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ये इस तरीके से लेदर की आपको सीट्स दिख रही हैं, ये इसकी सीट कवर है। तो अगर आप कंपनी से सीट कवर लगाओगे तो इसकी डिज़ाइनिंग आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आफ्टर मार्केट ही लगाना, क्योंकि वहाँ पर एक तो बकेट वाली फील मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जैसे ये तो पूरा फूला सा पड़ा है, तो उसके अंदर आपको बकेट वाला ऑप्शन मिल जाता है आफ्टर मार्केट, और थोड़ा आपको प्राइसिंग भी सस्ती पड़ जाती है। तो बैठते हैं कार के अंदर, फिर आपको बताता हूँ मैं सीटिंग कंफर्ट पूरा कैसा बन रहा है। ड्राइवर सीट की बात करता हूँ, तो सीट में मैं बैठ के काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। थाई सपोर्ट बेटर है, मतलब अगर मैं एंट्री लेवल हैचबैक कार की उससे देखूँ तो मेरे को ठीक मिल रहा है। यहाँ पे बैक सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, इवन जो हेड सपोर्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हेडरूम स्पेस की बात करता हूँ,
तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब इस कार के अंदर जो सीट है वो फिक्स रहती है, लेकिन सीट को इस तरीके से फिक्स कराया गया है कि अगर आप आगे देखोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से विजिबल हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर आपको एज टू एज जो आपका यहाँ पे वो रहता है बोनट, वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो हैवी ट्रैफिक में आपको गाड़ी को चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरे को तो ये सीट बिल्कुल परफेक्ट लगी है। मतलब ना ज़्यादा नीचे लगी, ना ज़्यादा ऊपर लगी, बिल्कुल ठीक लगी। और अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप कार के अंदर आके बैठो। मतलब ऐसे सीट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो कैबिन स्पेस अच्छी खासी है और अंदर आपको हाइट भी अच्छी खासी मिल जाती है गाड़ी के अंदर, तो आपको ऐसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली गाड़ी को लेकर के। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो जो इसका ब्रेक्स हैं ये आपको ABS और EBD के साथ मिल जाते हैं। ABS आप सभी को पता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, तो आप जब गाड़ी के ब्रेक अप्लाई करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके टायर लॉक नहीं होंगे। तो जब टायर आपके लॉक नहीं होते तो गाड़ी के स्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और EBD होने की वजह से जो ब्रेक का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाती है इस कार के अंदर, और ब्रेक असिस्ट भी आपको प्रोवाइड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब आप स्टेबिलिटी इस कार को अच्छी कह सकते हो। और सेफ्टी जैसा कोई बताया जैसा कि बहुत बेकार मिलती है इसको सेफ्टी, मतलब बॉडी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ से बचना है, अगर आप चाहते हो कि सेफ्टी में मारुति कार से अच्छी खासी निकाल लूँ, तो उसका यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है कि सेफ्टी निकालने के लिए आपको गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल स्पीड में चलाना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी को बहुत हाई स्पीड में चलाते हो, फिर अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इस कार के अंदर खतरा अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको हल्की स्पीड में चलाओगे, ड्राइव आराम से करोगे, सिटी में ज़्यादा ड्राइव करोगे, लाइट स्पीड में ड्राइव करोगे, हैवी स्पीड में नहीं चलाओगे गाड़ी को, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी एक बात और कर लेता हूँ कि इस कार के अंदर आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है। अब स्टीयरिंग की बात करते हैं तो आपको राउंड वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है कुछ इस तरीके से, और 3-स्पोक वाला है ये। यहाँ पर आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और एयरबैग आपको ड्राइवर साइड और फ्रंट पैसेंजर साइड मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो ये एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा कि एडजस्टमेंट इसके अंदर मिलना चाहिए था, क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना गैप, ये अच्छा खासा हो जाता है। मतलब जैसे किसी की हाइट छोटी होती है तो उसको स्टीयरिंग नीचे करना होता है, तो ठीक है उस स्टीयरिंग तो नीचे ही है, लेकिन किसी की हाइट ज़्यादा होती है फिर उसके ना टांगे काफ़ी मोटी होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे टच होती है इस तरीके से। तो उससे बचने के लिए स्टीयरिंग में जो हाइट एडजस्टमेंट होता है वो काफ़ी काम आता है टिल्टो वाला। और यहाँ पर आपको कोई भी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलेगा, वो बड़ा ऑकवर्ड सा करके सेंटर में डाल दिया। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान तो इसका ये निकल कर आता है कि लुक खराब हो जाता है गाड़ी के अंदर बैठते ही। और फायदा इसका ये है कि जैसे अगर गाड़ी के अंदर सारे लोग बैठे हैं तो हर कोई यहाँ पे स्पीड को देख सकता है, यहाँ पे ट्रिप देख सकता है, आपकी माइलेज देख सकता है, हर चीज़ देख सकता है। मतलब जो चीज़ ड्राइवर को एक्सेस हो रही थी वो चीज़ हर एक को एक्सेस हो जाएगी, तो ये फ़ायदा भी रहता है। लेकिन वो ये कि लुक थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो जाता है। आप बताना मेरे को कमेंट में जरूर से कि आपको ये मतलब सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर अगर ये सामने ही होता है यहाँ पे स्टीयरिंग के तो वो आपको ज़्यादा बेटर लगता। और अगर मैं इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ तो ये आपको फुली डिजिटल में मिलता है, और इस तरीके से आपका इसका पूरा ये स्पीड देखने को मिलेगी। पहले मैं इसका जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और नीचे आपको यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर मिलता है, ये इसका एडजस्ट आप यहाँ से करोगे, लाइक यहाँ पर आपको इसका ट्रिपे मिल जाएगा, ट्रिप भी मिल जाएगा, और माइलेज मिल जाएगा आपको। और एक आप इंस्टेंटेनियस माइलेज निकाल लोगे, और एक ओवरऑल जर्नी का माइलेज भी निकाल सकते हो यहाँ से, रेंज तो इस बाकी ओडोमीटर, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और फ्यूल आपको इस तरीके से यहाँ पर शो होगा ग्राफ में, और टाइम आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी जितनी भी वार्निंग लाइट है गाड़ी के अंदर, लाइक बैटरी का हो गया, इंजन से रिलेटेड हो गई, स्टीयरिंग से रिलेटेड हो गई, एयरबैग से रिलेटेड हो गई, और हैंड ब्रेक से हो गई, बाकी आपको यहाँ पे सीट बेल्ट का इंडिकेटर हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। और इसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ठीक उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे उन्होंने ना यहाँ से उठा के जो स्पीडोमीटर था पूरा यहाँ पे डाल दिया, तो उसकी वजह से जो AC वेंट है उसको भी थोड़ा खिसका के ऊपर करना पड़ा। तो ये चीज़ें ना मतलब लग भी अच्छी रही है, ऐसा नहीं कि बेकार लग रही है, लेकिन पहली बारी में अगर आप देखोगे ना आपको थोड़ा सा ईबसा लगेगा देखने में। आपको ये पोर्शन खाली देखने की आदत नहीं है, तो आपको ये चीज़ जब खाली देखने लग जाती है ना तो वो बहुत बेकार सा लगने लग जाता है। और AC वैन के डिज़ाइन भी आप चेकआउट कर लो पहले, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और ब्लो काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि एकदम हाइट में है तो सीधा आपके फेस में पड़ेगा ये, तो अगर इंस्टेंटेनियस कूलिंग चाहिए तो इस कार से काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इंफोटेनमेंट की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब बहुत पुराने टाइम का मिलता है, लेकिन डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करी गई है और कार के साथ मैच भी कर रहा है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का मिल रहा है और ऊपर इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, तो लुक मतलब काफ़ी मैच हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसे खोलोगे तो इस तरीके से आप देखो पेन ड्राइव लगा सकते हो, तो टाइप ए का पोर्ट है, और यहाँ पे आप ऑक्स भी लगा सकते हो इस तरीके। इसको बंद कर लेते हैं, बाकी यहाँ से ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, और चैनल वगैरह चेंज करना है FM के वो कर सकते हो। मतलब इजी टू यूज़ बटन्स यहाँ दे रखे हैं, अगर वो सब चीज़ें भी यहाँ पर दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं आपको। और ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिल जाती है, तो पावर विंडो को यहाँ से ऑपरेट करोगे और हज़ार लाइट का बटन आपको मिल जाता है। इधर आपको मैनुअल AC मिलता है। अब मैनुअल मिले ऑटो मिले, हर कार में बोलते हुए आया हूँ कि मैनुअल मिले ऑटो मिले, कोई बात नहीं AC होना चाहिए, तो इसमें आपको मैनुअल AC मिल जाता है।
और इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेस काफी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इधर भी स्पेसिंग है, फोन यहाँ पे कैरी कर सकते हो, पूरा फोन लेटा हो नहीं सकते हो लेकिन ऐसे खड़ा कर सकते हो। इसका फोल्डर में आपने कब प्लेस नहीं करें तो यहाँ भी अपना फोन कैरी कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर मिलता है इसमें देखो 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक भी इस कार के लिए अवेलेबल है। बाकी इस साइड आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है और पीछे भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है। तो लेडीज़ पीछे अपना पर्स यहाँ पे कैरी कर सकती हैं या फिर कोई अपना फ़ोन यहाँ पे कैरी कर सकता है। तो इस कार में पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि इसके अंदर आपको स्पेसिंग अच्छी खासी मिल रही है, जैसे एक स्पेसिंग आपको यहाँ पर भी मिल रही है तो कोई यहाँ पर भी अपना सामान रख सकता है। नीचे देखें ग्लव बॉक्स खोलें तो इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाती है। बाकी एसी वेंट साइड में कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और अगर आपको कल के दिन इसमें ट्विटर लगाने हैं, जैसे म्यूज़िक के शौकीन हो ट्विटर लगाना चाहते हो तो इसके यहाँ पे कट दे रखा है, तो इसको कटआउट करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको ट्विटर प्लेस हो जाएंगे और आप ओआरवी का साइज़ भी देख लो, कुछ इस तरीके से मिलता है। आईआरवी में आपको मिलेगा ये, आप इसको डिम नहीं कर सकते, मतलब जैसे मैनुअल डिम वाला ऑप्शन मिलता है ना ऐसे नीचे करने का, मेरे को लगता है यार वो चीज़ हर एक कार में देनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग इसमें मत करो क्योंकि जब रात के समय गाड़ी चलाते हैं पीछे से लाइट आती है तो इसको आप बार बार ऐसे छोड़ना करते रहेंगे हम, फिर इसकी पोजीशन हिल जाती है। तो वो जो ऑप्शन रहता है ऐसे नीचे करने का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। सेंटर में आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको मिलता है पैड जिसका साइज़ मेरे को थोड़ा छोटा लगा, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था यहाँ तक अगर साइज़ होता तो, सनरेस बड़े आराम से रुक जाती है यहाँ पर और स्ट्रैप वगैरह नहीं मिलते इसके अंदर आपको। और इस साइड देखें तो यहाँ भी आपको कोई स्टेप वगैरह नहीं मिलेंगे, सिर्फ एयरबैग की ऐसे करके एक वार्निंग ऐसी बनी हुई रहती है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट फ्रंट लुक इसका बनता है और हर एक चीज़ डिटेल में जान ली है। पीछे की सीट में चलते हैं फटाफट से और पीछे की सीट में जानते हैं कि हमें डोर में इसको ओपन करता हूँ पीछे की सीट का। पहले आप चेकआउट कर लो कि फ्रंट की सीट जो है मैंने कितने पीछे कर रखी है और पीछे की सीट में भी सीट कवर लगे हैं। तो वैसे आपको सीट फैब्रिक की मिलेगी, दो आपको इस तरीके से हेडरेस्ट मिल जाते हैं फिक्स वाले। और डोर की बात करता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि आपको इस तरीके से हाथ से घुमा के पीछे का जो शीशा है ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो पुराने टाइम की आपको पक्का से याद आएगी। लेकिन अब ये चीज़ का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से ना कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अब देखो इस चीज़ का कोई यूज़ करता नहीं है, जैसे आज गर्मियों का टाइम हो रहा है तो कोई भी शीशे डाउन यहाँ पे करता नहीं है, सब लोग एसी चला के गाड़ी चलाते हैं। और अगर आपको शीशे डाउन करना है तो एक बार की मेहनत है, बस इतना सा कर लो, थोड़ा सा डाउन कर लो, बाकी गर्मी ठंडों के टाइम में शीशे बंद ही रहते हैं गाड़ी के। और यहाँ पर आप देखो इसका पकड़ के डोर क्लोज़ कर सकते हो, स्पीकर के लिए कोई जगह है ही नहीं, मतलब कोई आउटलेट ही नहीं दिया है। कह रहे हैं कि भाई आफ्टर मार्केट भी लगाना है ना तो दो ही स्पीकर लगाओ, बाकी इसके ऊपर छेद करके यहाँ पर कुछ करो, जुगाड़ यहाँ पर बैठाओ। तो यहाँ पर डोर में कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बैठते कार के अंदर, जैसा आपको मैं यूटिलिटी स्पेस दिखा रहा था तो आप देखो कुछ इस तरीके से स्पेसिंग बन जाती है। और सेम चीज़ आपको ये दूसरे डोर साइड भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल बार आपको मिल जाता है फिक्स वाला और लाइट कोई सेंटर में नहीं है, सिर्फ फ्रंट में आपको लाइट मिलेगी, एक लाइट इनफ है इस कार के लिए। डोर बंद करते हैं फिर आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले सीटिंग कम्फर्ट की बात करते हैं, सीट आप पास से भी चेकआउट कर लो, कुछ इस तरीके से बनेंगी। सीट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ अपने बैक सपोर्ट की। तो बैक सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, बैक सपोर्ट ठीक है। और थाई सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो देखो, जैसे सीट की अगर आप हाइट देखोगे, यहाँ पे सीट की लेंथ देखोगे तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आपको मैं बताऊँ तो थाई सपोर्ट उतना बेटर नहीं है। और लेगरूम स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, मेरे को इतनी अच्छी नहीं मिल रही है क्योंकि ये सीट मैंने बहुत ज़्यादा पीछे करी थी, लेकिन लेगरूम स्पेस आपको अच्छी मिल जाएगी। दो लोग आराम से बैठ जाओगे अगर पतले हो, तीन लोग भी बैठ जाओगे, तीन अगर पीछे बच्चे बैठेंगे वो तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, दो एडल्ट भी कंफर्टेबल रहेंगे। परेशानी आती है इसकी, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो फिक्स वाला इस तरीके से हेडरेस्ट, इसकी परेशानी सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे हेड रखोगे अपना पूरी गर्दन पीछे को झुक जाती है तो यहाँ पे आपकी लचक भी बढ़ सकती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि हल्का सा आप रिक्लाइन होकर बैठ जाओ, जैसा थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठोगे इस तरीके से तो आपके हेड को दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो आगे बंदा बैठेगा इसमें ये सीट कितने पीछे कर रही है ये भी डिपेंड करता है। जैसे मैं थोड़ा रिक्लाइन होकर बैठा, मेरे पाँव यहाँ पर टच हो गए, तो अब ये सीट अगर थोड़ी आगे हो जाएगी तो ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे जो हेड सपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी हेडरूम स्पेस में कोई परेशानी है गाड़ी की, जैसे हाइट में आपको बता रहा था बाहर भी कि बहुत ज़्यादा अच्छी आपको हाइट मिल जाती है। एक SUV ये रिसेंबल कर रही है तो SUV वाले आपको फीचर्स भी दे रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पेसिंग प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होकर बैठना पड़ सकता है अगर आप सबके सब हेल्दी हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, पीछे आपके बच्चे बैठने हैं, आप दो लोग को आगे बैठना है, तो फिर आप आराम से इस कार को ले सकते हो, कंफर्टेबल काफ़ी अच्छी है और मेन है कि बजट के अंदर आ जाती है। तो आज का फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि आप इस कार के लिए ज़रूर से जा सकते हो। देखो सेफ्टी को प्रायोरिटी मत लेना बिल्कुल भी यहाँ पे, कि सेफ्टी मेरे को बहुत अच्छी मिलने वाली है, सेफ्टी नहीं है इस कार के अंदर ज़्यादा अच्छी। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गाड़ी सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हो इस कार के लिए जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। और इसके अंदर आपको CNG वाला ऑप्शन ही मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन ही मिल जाता है। बाकी अगर आपको और अच्छे फीचर चाहिए कंपनी से तो आप इसका VXi+ वाला वेरियंट भी ले सकते हो,
लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे अच्छी बिल्ड चाहिए तो फिर आप इस कार पे मत जाओ, लेकिन अच्छी बिल्ड के लिए आपको पैसा फिर एक्स्ट्रा खोलना पड़ता है, चाहे कोई सी भी कंपनी की बात करें। तो आई होप कि मेरी वीडियो ने आपकी मदद करी होगी और आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करें, वीडियो को शेयर जरूर से करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबाएं क्योंकि यार जितनी भी नई कार आती रहती है मैं सबके रिव्यू करूंगा, इवन उनके सारे वेरिएंट्स के मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आऊंगा और टेस्ट ड्राइव भी आपको करके दिखाऊंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा और बिल्कुल अनबायस होकर बताऊंगा हर एक चीज़ को कि चीज़ें सही हैं गलत है, सेफ्टी मिलती है नहीं मिलती है, प्रोज और कौन सा वीडियो भी लेकर आऊँगा हर एक कार के ऊपर कि जैसे कि एस्प्रेसो है इसके आपको पॉजिटिव पॉइंट्स क्या मिलते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या मिलते हैं, तो काफ़ी वीडियोस मैं आपके लिए कार के लेकर आते रहूँगा, न्यूज़ भी आपके लेकर आऊँगा, तो मेरे को आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सिर्फ मेरे लिए इतना करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, फिर भी करना आपको वीडियो को उनके संग जिनको कोई कार लेनी है या फिर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं इस बजट के अराउंड, तो ये वीडियो उनकी मदद जरूर से करेगी, तो इसलिए आपको लाइक और शेयर करना है, बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबाना है ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द ऐसे एक और नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।